मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग आज इस मुल्क में नफरत को फैला रहे हैं, आप जाइए गुलबर्गा में, 200 किलोमीटर हैदराबाद से गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, तो वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले एहतजाज किए कि हरा रंग मुसलमानों का, निकालो इसको। रातों रात हरा रंग को निकाल दिया गया। ये बीजेपी आरएसएस की नफरत की निशानी है कि हरा रंग नहीं होना चाहिए मुसलमानों का है। अरे मोहन भगवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं, रंग से हमको क्या निस्बत? नहीं, हरा रंग मुसलमानों का है। मैसूर में एक बस स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गुंबद लगाया गया तो मैसूर का बीजेपी कैंपी बोला ये इस्लाम की निशानी, मिटाओ। तोड़ दिया उसको, तोड़ दिया उसको। घरों को तोड़ दिया जाता है, घरों को बगैर कानून को फॉलो किए, बगैर नोटिस दिए, उत्तर प्रदेश हो मध्य प्रदेश हो, घरों को तोड़कर बेघर कर दिया जाता है। दिल्ली में तोड़ा गया रमजान के महीने में। ये बीजेपी आरएसएस ये काम कर रही है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग आज इस मुल्क में नफरत को फैला रहे हैं, आप जाइए गुलबर्गा में, 200 किलोमीटर हैदराबाद से गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, तो वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले एहतजाज किए कि हरा रंग मुसलमानों का, निकालो इसको। रातों रात हरा रंग को निकाल दिया गया। ये बीजेपी आरएसएस की नफरत की निशानी है कि हरा रंग नहीं होना चाहिए मुसलमानों का है। अरे मोहन भगवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं, रंग से हमको क्या निस्बत? नहीं, हरा रंग मुसलमानों का है। मैसूर में एक बस स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गुंबद लगाया गया तो मैसूर का बीजेपी कैंपी बोला ये इस्लाम की निशानी, मिटाओ। तोड़ दिया उसको, तोड़ दिया उसको। घरों को तोड़ दिया जाता है, घरों को बगैर कानून को फॉलो किए, बगैर नोटिस दिए, उत्तर प्रदेश हो मध्य प्रदेश हो, घरों को तोड़कर बेघर कर दिया जाता है। दिल्ली में तोड़ा गया रमजान के महीने में। ये बीजेपी आरएसएस ये काम कर रही है।